इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम जानेंगे 3D पॉप आउट इफेक्ट के बारे में, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हम जानेंगे इस वीडियो में कि स्टेप बाय स्टेप आप किस प्रकार से अपने किसी एक कलर फोटो को इस प्रकार का लुक दे सकते हैं, ये इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको कोई भी एक इमेज ओपन कर लेनी है जिस पे आपको ये इफेक्ट अप्लाई करना है। एग्जाम्पल के लिए हम ये इमेज ओपन कर लेते हैं। कंट्रोल और जीरो बटन प्रेस करके इसको फुल साइज में कर देते हैं। अब हम इस इमेज का एक लेयर बना लेते हैं कंट्रोल और जे बटन प्रेस करके, और एक और लेयर बना लेते हैं कंट्रोल और जे बटन प्रेस करके, और ये जो मेन बैकग्राउंड इमेज है इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब हम ये जो नीचे वाला लेयर है इसको सेलेक्ट करते हैं और इस पर फिल्टर अप्लाई करते हैं। इसके लिए फिल्टर गैलरी ओपन करते हैं और फिल्टर गैलरी से हम ये जो टेक्सचर फिल्टर है इसमें से ये ग्रेन फिल्टर को सेलेक्ट करते हैं। ग्रेन फिल्टर में इंटेंसिटी हम 20 पे सेट रख देते हैं और कंट्रास्ट 50 पे सेट रख के ओके कर देते हैं। ऊपर वाली लेयर को हम हाइड कर देते हैं। अब हम नीचे वाले लेयर पे फिर से एक फिल्टर और अप्लाई करते हैं और इस बार हम सेलेक्ट करेंगे लेंस करेक्शन फिल्टर को, और इसमें हम कस्टम सेट करेंगे और कस्टम में ये जो विनिएट ऑप्शन है इसके अमाउंट को हम माइनस में बिल्कुल जीरो कर देंगे और फिर ओके प्रेस कर देंगे। अब हम इस लेयर के ऊपर एक एडजस्टमेंट लेयर बनाते हैं। तो हम यहाँ पे एक एडजस्टमेंट लेयर बनाते हैं ह्यू और सेचुरेशन का। यहाँ पे हमें सेचुरेशन को बिल्कुल -100 पे सेट कर देना है, तो इस प्रकार से ये इमेज दिखाई देने लग जाएगी। अब हम इसके ऊपर एक ब्लैंक लेयर बनाते हैं। ब्लैंक लेयर में हम वो एरिया ड्रा करते हैं रेक्टेंगुलर टूल की सहायता से, जिस एरिया से हमें फोटो फ्रेम बनाना है। अब हम एडिट मेन्यू में जाके स्ट्रोक ऑप्शन पे, यहाँ पे जिस साइज की आपकी इमेज हो उस हिसाब से आप स्ट्रोक सेट कर सकते हैं। इस इमेज का रेजोल्यूशन थोड़ा ज़्यादा है तो मैं यहाँ पे स्ट्रोक की विड्थ 125 पिक्सल सेट करूँगा। कलर वाइट रखना है और लोकेशन इसके इनसाइड करके ओके प्रेस कर देना है। तो इस प्रकार से ये बॉर्डर एरिया ड्रा हो जाएगा। कंट्रोल डी बटन प्रेस करके हम सेलेक्शन से बाहर निकलते हैं और कंट्रोल टी बटन प्रेस करके हम इसको थोड़ा इस प्रकार से रोटेट कर लेते हैं और रिपोजिशन भी कर सकते हैं। एंटर प्रेस करते हैं। अब हम कंट्रोल प्लस क्लिक बटन प्रेस करके ये जो बॉर्डर एरिया है इसको सेलेक्ट करते हैं और क्यू बटन प्रेस करते हैं, तो इससे क्विक मास्क मोड एक्टिव हो जाएगा। अब हम टूलबॉक्स से ये जो पेंट बकेट टूल है इसको सेलेक्ट करते हैं और ये जो बॉर्डर का बाहर का एरिया है यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो इससे बाहर वाला सिलेक्शन जो है वो हट जाएगा। फिर से हम क्यू प्रेस करते हैं और ये जो सिलेक्शन अब हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई बटन प्रेस करके इसको इन्वर्स कर लेते हैं। अब हमें ये जो टॉप वाला लेयर है इसको सेलेक्ट करना है। टॉप वाले लेयर को सेलेक्ट करने के बाद में इस पे हमें एक मास्क लेयर बनाना है। अब हम ऊपर वाले लेयर की विजिबिलिटी को ऑन कर देते हैं तो इस प्रकार से ये कलरफुल दिखाई देने लग जाएगा। अब हम कंट्रोल प्लस क्लिक करते हैं फ्रेम वाले लेयर पे और फिर से हम क्विक मास्क मोड को एक्टिव करते हैं और इस बार हम पेंट बकेट टूल को सेलेक्ट करके ये जो बॉर्डर के अंदर वाला एरिया है यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो इससे अंदर वाला एरिया क्लियर हो जाएगा। फिर से हम क्यू बटन प्रेस करते हैं और अब हम ये जो फ्रेम वाला लेयर है इसको सेलेक्ट रखते हुए एल्ट प्लस डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो ये वाइट कलर से फिल हो जाएगा। मतलब अब ये जो बॉर्डर एरिया था अब तक ये अब एक वाइट बॉक्स बन गया है
तो अब हम इसके लेयर स्टाइल ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। डबल क्लिक करके लेयर स्टाइल ऑप्शन ओपन करते हैं, या फिर आप यहां से लेयर मेन्यू में जाके भी इसको ओपन कर सकते हैं। इस पे हम ड्रॉप शेडो अप्लाई करेंगे। ये आप अपनी इमेज के हिसाब से आप जैसा भी सेट करना चाहे, यहाँ से आप ओपीसीटी, ब्लेंड मोड आपको नॉर्मल रखना है, ओपीसीटी यहाँ से आप जो भी परफेक्ट लगे उस हिसाब से सेट कर लीजिए। डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा रखते हैं और साइज भी। फिर हम ओके प्रेस कर देते हैं। अब हम ये जो ऊपर के तीन लेयर है इनको सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट बटन प्रेस करके तीनों को सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल और टी बटन प्रेस करके ट्रांसफॉर्म टूल को एक्टिव करते हैं। और अब हम इसकी साइज को इस प्रकार से थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इसको हम थोड़ा इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं ताकि ये बैकग्राउंड इमेज से थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे। इसके बाद हम इसको एंटर प्रेस कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये तैयार हो गई इमेज। अब हम चाहें तो इस पे कुछ टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हैं या आप चाहें तो इसको ऐसे ही रख सकते हैं। टेक्स्ट लेयर को हम सेलेक्ट करते हैं और कोई भी टेक्स्ट टाइप कर देते हैं, जैसे हम ये टेक्स्ट टाइप कर देते हैं और इसको हम कंट्रोल और टी बटन प्रेस करके इमेज के फ्रेम के हिसाब से एडजस्ट कर देते हैं। फॉन्ट आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कलर आप इस फ्रेम से ही ले तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। अब हम इस टेक्स्ट पे भी थोड़े इफेक्ट्स अप्लाई करते हैं। तो लेयर स्टाइल डायलॉग बॉक्स में हम आउटर ग्लो को सिलेक्ट करते हैं। आउटर ग्लो में आपको यहाँ पे कलर ब्लैक वाइट या ग्रे रखना है ताकि टेक्स्ट थोड़ा आपका अलग दिखे बैकग्राउंड से। आप इन स्लाइडर्स को मूव करके देख सकते हैं जहां पे भी आपको परफेक्ट लगे। तो इस प्रकार से आप किसी भी फोटो को 3D पॉप आउट लुक दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।